फेसबुक पे आप लाइव आकर के गरिया रहे हैं किसी को। हाँ, एगो विधायक जी का खास था, उसी का गांव में पास कर रहे थे। अभी आप पे कितना केस है? अभी लगभग मेरे ऊपर 18 केस है। अभी चुनाव उनाव लड़ने का होगा तो लड़ेंगे आप? वो देखा जाएगा, समय के अनुसार ना सब कुछ होता है। और हमारे सामने में हीरो राजा यादव जी मौजूद हैं, और हीरो राजा यादव सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इनका लगातार वीडियो वायरल होते रहता है, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले राजा कुमार थे और राजा हीरो यादव कैसे बने, इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रमुख भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको इस योग्य समझे। अच्छा, ये आप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, आप कब से ये वीडियो वीडियो बनाते हैं? वायरल तो हो गए, ये सब मेरा भाई सब का प्यार है, उसी का सब कुछ दिया हुआ है। कब से चल रहे हैं? लगभग 1.5 साल पहले से, ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 1.5 साल में ही मेरा भाई सब बहुत हमको सपोर्ट किया चाहा और इतना दूर तक पहुँचाया। अच्छा, आप जैसे कि इससे पहले हम बात किए तो आप बोले कि बहुत सारा कांड किए, मतलब बहुत सारा गोली फायर किए। आपका एक वीडियो हमने देखा था कि आप कट्टा लहराते हुए बाइक पे या कहीं पे एकदम बाइक जो है एकदम मतलब कि एकदम धरंदे से एकदम चलाते रहते हैं, डर उड़ने लगता है? बाइक चलाने में हमको डर नहीं लगता है, एक शौक होता है ना सबका अपना अपना, तो मेरा भी एक शौक है कि हम बाइक कैसे चलाए वैसे चलाए। अच्छा, हीरो राजा यादव बना कैसे और इसका पहचान कैसे मिला, शुरू से थोड़ा कहानी जानने का हम प्रयास करेंगे, कहाँ से कैसे हुआ ये सब? हीरो राजा यादव लॉकडाउन से बना। लॉकडाउन से पहले हम पढ़ते थे पूर्णिया में बिजेंद्रा पब्लिक स्कूल में, लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम घर पे रहने लगे, तो ये बगल का कोचिंग सेंटर धरे थे मुरलीगंज में, तो यहीं जाते आते थे, तो मैट्रिक में अच्छा मार्क आया था हमको, तो मेरा पापा हमको KTM दिए थे खरीद के। अब KTM दिए तो देख के बहुत आदमी का गाड़ फट जाता था देख के, ये सलाई कौन है जो KTM लेके आता जाता है, ठीक ना। तो इससे कुछ कोई यूनिक लड़का सब दोस्त बना जो अच्छा था, तो उसी में हमारे एगो प्रिय भैया है गांधी भैया, वो हमको बहुत सारा प्यार और सपोर्ट किए, कहे कि अच्छे घराने का लड़का सब तो अच्छा से सबको रिस्पेक्ट देता है, ठीक ना। तो एक रैली हुआ 26 जनवरी में, जिसमें कि गांधी भैया हम लोग को बुलाए, तो हम लोग तभी उतना लड़का नहीं जानता था, सर्कल का भर का बस जानता था गांव घर का, सब भाई को बोले कि चलना है, तो लगभग 50-60 लड़का हम लोग गए, ठीक। तो अब एगो लड़का था प्रकाश नाम का, उसका एगो प्रिंस से कुछ लफड़ा था, मैटर था, तो अब ओबेसी बात है हम लोग का गांव का है तो हम उसी के साथ रहते, तो रैली में उसको बार बार धक्का टॉर्चर किया जा रहा था, ठीक ना। तो रैली मतलब सामूहिक था, तो उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तो हम लोग गए तो स्टेशन पर इसी का बात हुआ, का ऐसे हुआ, तो वहाँ पर मैटर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग घर के तरफ चले आए, घर जब आ रहे थे तो यहाँ बाईपास है एक, वही बाईपास में थे, तो उसको फोन आया प्रकाश को, गाली गलौज दिया, तुम कहाँ आते हैं तुमको मारेंगे। तो प्रिंस नाम का लड़का जो है क्या किया कि मतलब 10-15 गो को बुलाया और आया, तो वहाँ पर वो सब 10-15 गो को बुलाया, हम लोग का गाँव था तो हम लोग भी लगभग 10-15 गो थे, तो हम लोग वहाँ जैसे पहुँचे तब किसी का भी गांव रहेगा सब जानता है कि राजा है कुछ है, तो गांव वाला सब भी दौड़ा, दबिया बांस वाँस लेके सब वहाँ पर जितना आया था, तो किसी को तो नहीं मारे, सिर्फ प्रिंस को मारे, काहे कि वही गाली दिया था, प्रकाश का लड़ाई था, तो उसको मारे, उसको मार के फिर छोड़ दिए जब सब बोला छोड़ देने के लिए। तो उसके एक दो दिन बाद अजय नाम का लड़का था RDX ग्रुप का, बोलता था हम हेड है, तो फ़ोन किया कि आइए मेटरलाइज कर लेंगे। तो अब तभी बचपना था, तभी नहीं समझते थे कि बुला के भी मारेगा, अब गांव में कुब्बत नहीं तो बुलाइए कि ना मारता। तो अब बोले ठीक है आते हैं, तो हम और मेरा एगो भैया है नीरज भैया, सरस्वती पूजा मनाते उस समय, तो कार छपवाने के लिए मुरलीगंज गए थे, तो उसको भी हम फ़ोन करके बुलाए, कहाँ है भाई, हरी साग की दुकान के पास आओ, तो आया, बोला चलिए इधर, तो उसके बाद गांधी भैया को बुलाए, तो गांधी भैया भी सोचे कौन चीज़ की हो, अपने भाई भैयारी ये सब, उसका सब इज्जत करते थे गांधी भैया का, तो ऐसे मेटरलाइज करवा देंगे। तो वहाँ पर हमको लेके गया दूसरे जगह, तो वहाँ का एगो रंगदार क्या कहते हैं मनोज यादव का भतीजा था, उसका बोलता था कि मेरा बाप बदमाश है गौतम यादव, वो भी था, तो अब वो सबका ग्रुप था रेबल और RDX, अब दोनों मिल गया, तो वहाँ पर हमको बोला प्रकाश को बुला दो तुमको जाने दे देंगे। तो अब हम बोले कौन चीज़ की, अब मेरा कोई भी लड़का है तो हम तुम्हारे हवाले कैसे कर देंगे भाई, जब मीटर लाइज करना है तो कर लो। तो हमको बोला कौन चीज़ 15 मिनट का समय है, तुम किसी को बुला सकता है तो बुलाओ। तो हम बोले हम किसको बुलाएंगे, हम तो तुम्हारे भरोसा आए हैं। गांधी भैया को बोले कि भैया देखिए, तो गांधी भैया बात कर ये रहे थे, क्योंकि सुनील दीवाना नाम का लड़का था, वो बोलता है तुमने बुलाए बिले,
नहीं तोतलाते बोलता है बहन समझे, तो जो है ना मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया, तो हाथ छोड़ दिया तो गांधी भैया बीच में आए, तो उसके बाद हम थोड़ा भागने लगे, वो वीडियो मेरा वायरल भी हुआ, तो भागने लगे, तो उसके बाद ये सब जाके हमको मारा पीटा पूरा। उसके बाद उस समय मेरे पास कट्टा वट्टा नहीं था, तो हम रोते रोते घर तर आए, ठीक ना, इधर से भी सब चले गया था, तो हालांकि सब उसको खोजने का कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। तो उसके बाद शाम में देखे कि मेरा वीडियो वायरल हो गया, अब वीडियो वायरल हो जाएगा भाई किसी का तो उसका इज्जत प्रतिष्ठा पे तो पड़ जाता है ना, तो हम सोचे कि अब करे क्या। मेरे पास वो फ्री फायर का आईडी था 83 लेवल का, उसको बेच दिया हम अपना दोस्त को, ठीक ना, तो उससे लिए 60,000 रुपया, तो उसमें एगो पिस्टल और 8-10 गो गोली खरीदे। उसके जिस दिन सरस्वती पूजा का मूर्ति लाने जाता उसी दिन जो है हम थे, लालू थे, मतलब बहुत आदमी सब मीटिंग कर रहे थे, तो उसी बीच प्रकाश बोला कौन चीज़ की चलो मारे चाहिए, तो कहिए ठीक है, तो गए वहाँ पर मुरलीगंज में गांधी भैया से मिले। जैसे मिले उसके बाद जो है ना पता चला कि फंटुसबा वहाँ पर है, ठीक ना, तो उसको हम लोग गए सोचे कि मार देते हैं, तो जैसे मार रहे थे ना जैसे गोली चलाए उस पर, तो वो जो है सलानतन इधर उधर बच गया, ठीक ना, अपना भाई को बहन को सबको बुला लाया, वहाँ पब्लिक मूवमेंट हो गया, और मेरे साथ में जो लड़का था प्रकाशबा ये घोड़ी चौथसला भाग गया सोली। अच्छा, कहीं ना कहीं फ्री फायर से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, और फ्री फायर में जो आप बंदूक चलाते थे आज वो आप रियल में चलाते हैं। हाँ, आज रियल में चलाते हैं। अच्छा, डर उड़ने लगता है? डर काहे लगेगा आप ही बताइए, आप जिस दिन लिखा लोगा मरेंगे तो उस दिन बहन चुद कितनों 47-42 रहेगा फिर भी कोई एगो कट्टा सा के मार देगा, अब जिस दिन लिखल ही नहीं रहेगा कि मरेंगे तब क्या, मेरे पास कट्टू रहेगा तो हम 47 वाला को भी झाड़ सकते हैं। अच्छा, आप जैसे कि बंदूक उंदूक लेके चलते हैं तो पुलिस प्रशासन आपको पकड़ते उकड़ते नहीं? पुलिस प्रशासन काहे ना पकड़ेंगे, पकड़ते हैं, लगल रहते हैं। तो हुआ कैसे कि उस समय तो ऐसे मतलब किए थे कुछ, उसको गोली मारने गए थे तो जेल चले गए, उसके बाद जेल में लगभग 45 दिन रहे, उसके बाद आए तो सोचे अच्छा से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कोई बात नहीं, तो बगल में एगो रूम लेके यहाँ पर रहते थे, मतलब जितना भी 10-12 गो लड़का था मेरा सब आते जाते था, तो आप मेरा कुछ गांव का ही राजनेता सब मिल के रूम पे रेड करवा दिया, रूम में कुछ नहीं मिला, तो ज़बरदस्ती कुछ से कुछ दारू तारू कट्टा वट्टा जो जहाँ तो जानबे करते आप देख के, 4-5 गो जुबलेन लड़का को, मतलब छोटा छोटा बच्चा था, वो सब लगभग 14-13 साल हाँ आर्म सेक्ट में वो सबको फंसा दिया, वो सबको लगभग मेरा मियादी बना दिया, बताइए छोटा बच्चा को फंसाना तो नहीं था वहाँ। तो उसके बाद हम सोचे जब कुछ करिए नहीं रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ किया ही जाए, जब बेफालतू से केस खा रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ करके केस खाएंगे तो ठीक रहेगा ना, आप ही बताइए। अच्छा, बस ऐसे अभी अभी आप पे कितना केस है? अभी लगभग मेरे ऊपर 18 केस है, सब में बेल पे है, 18+ केस है। हाँ, अच्छा, अरे माता पिता नहीं बोलते हैं क्या बेटा तुम पढ़ने लिखने वाला था और आज जो है कहीं ना कहीं कट्टा एकदम बंदूक से तुम खेलता है, ऐसा माता पिता कभी भाई नहीं बोले? अरे भाई बोले न, शर्म से उसके पास जेबे नहीं करते हैं अधिकतर टाइम तो इधरे रहते हैं घर पे, कहाँ सोने के लिए सिर्फ जाते हैं, किस एंगल से उसको मुंह दिखाएंगे बताइए। अच्छा, बताइए आप ही, कष्ट तो हमको भी होता है ना, कि नहीं होता है? अच्छा, माता पिता मतलब कि माता पिता से जाके नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो गाँव समाज के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? गाँव समाज के लोग को कभी कुछ करवे नहीं करते हैं तो क्या सोचेंगे, जो कहते हैं कोई हेल्प कर देते हैं, आप जिसके नज़र में बुरा है तो उसके नज़र में हम तो बुरा रहबे न करेंगे, इसमें क्या है। अधिकतर कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि कोई भी किसी का खानदान से कोई भी लड़का ऊंचा उठे, कोई भी अधिकतर बड़ा आदमी सब राजनेता सब, इसीलिए हम सब पुलिस को फोर्स करके केस करवा देता है, कभी FIR करवा देता है, कुछ भी करवा देता है जब मन तब, घर पर रेड मरवा देता है। अब पिछले बार जब हम पकड़ाए थे तो बोला घर पर राजा यादव कोरेक्स बेचता था, दारू बेचते थे, ये सब इत्यादि चीज़ ढेरिक चीज़ बोला, जो कि सब हम बेचते नहीं थे और उस समय पीते भी नहीं थे, अब तो हालांकि सब कुछ पीते हैं। अच्छा, माता पिता आपके क्या करते हैं? मेरे पापा किसान है, माँ हाउस वाइफ। अच्छा, जैसे कि आपने एकदम पगड़ी उगड़ी बांधे हुए हैं और काला शर्ट काला पैंट कहीं ना कहीं काला जूता, आप इस प्रकार जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जो दबंग टाइप का होता है, एक जो मतलब एक जो माहौल होता है, वो आप ऐसा नहीं ये कपड़ा उपड़ा वेशभूषा पहन के बनाना चाहते हैं? नहीं, माहौल बनाना हम थोड़ी चाहते हैं, माहौल तो पहले से बना हुआ है, बस मेरा भाई सबको यही लुक देखने में अच्छा लगता है, यही कारण पहनते हैं। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम पे हम देखे कि समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर से पता नहीं कहाँ कहाँ से आपसे आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, एक आइकॉन बन चुके हैं।
अरे अब वो भाई सब का प्यार है, वो भाई सबको लगता है कि मेरा एक भाई अपराधी है, हमको किसी प्रकार से मदद मिल सकता है, तो हम उस सबको ये भी बोलते हैं कि हाँ हम मदद करेंगे आप लोग का, फ्री में करेंगे, कोई भी दिक्कत होता है, लेकिन आप मेरे तरह कोई भी गलत कदम ना उठाए, क्या कि हम बर्बाद हो चुके हैं और कितना भाई को बर्बाद करने के लिए सोचेंगे, और मेरे साथ मेरा 4-5 भाई है वो सभी बर्बाद है तो काफ़ी है अभी बस। तो अभी आपके जब आप निकलते हैं घर से बाहर निकलते हैं या कहीं जाते हैं तो कितने लोगों का काफिला चलता है? कितने लोगों का? लगभग 10-15 गो तो हमेशा साथ ही रहते हैं, वैसे काफिला ले जाने का रहते तब तो 1000 प्लस भी हो जाता है। आपने एक 15 अगस्त में कि ऐसे 26 जनवरी में आपने बोला कि लाइव आकर के इतना बजे यहाँ से यहाँ जाना है, तो एकदम कम से कम 100-200-300 बाइक जो है एकदम आपके पीछे था। 300 नहीं था, 3-4 हज़ार था। 3-4 हज़ार बाइक आ गया। हाँ, यहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके मीरगंज तक सिर्फ बाइक ही बाइक था। हाँ, इतना दूर था। तो क्या बोले थे कि इतना लोग जमा हो गए थे? नहीं, बस बोले थे सब मेरा जितना भी भाई सब है जो हमको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक बार आए और हमसे मिले और रैली, भव्य रैली निकालेंगे, बिहार का नंबर 1 रैली, तो सब भाई सब मेरा बात माने और आ गए, तो हम सबसे मिले, सबसे बातचीत किए और रैली में सब भागीदारी बने, बस यही। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लोगों का पहचान, लोग जो हैं आपको प्यार देते हैं, अब लोग सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे कितना फॉलोवर है, और इंस्टाग्राम पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा? इंस्टाग्राम पे हमको 2,48,000 फॉलोवर है अभी, और एक दो फेक आईडी चल रहा है, तो फेक आईडी वाला सब भी अपना कोई दोस्ते है जो कि अब दोगला हो चुका है, वही सब चला रहा है, नाम बेच रहा है, किसी को कुछ कह देता है, धमकी दे देता है। अच्छा, एक दो हम वीडियो देखे थे कि फेसबुक पे आप लाइव आकर के गरिया रहे हैं किसी को। हाँ, एगो विधायक जी का खास था, उसी का गांव में बांस कर रहे थे। हाँ, वो बोल रहा था कि मेरा बाप का मुरलीगंज है, तो उसको बोले कि उसको यही दिखाने गए थे कि तुम्हारा बाप हम भी है असल में, इसीलिए घूम गए थे मुरलीगंज। अच्छा, हाँ, जैसे बाहर निकले और मतलब कि लाइव आके एकदम गरियाते हुए एकदम जा रहे। हाँ, गरियाते हुए उसको जा रहे थे, दिखा रहे थे कि देखो मुरलीगंज में है, दुए आदमी है सिर्फ, आओ। वो मेरा एगो दोस्त को घेर लिया था, पुष्पराज को, इसी कारण गए थे मुरलीगंज उसको दिखाने के लिए कि हाँ आ गए हैं, कुछ औकात है तो कुछ करके दिखाओ। बस उस अभी हवा फायरिंग दे रहा है। बस क्या हवा फायरिंग दे रहा है? कि इसने कि राजा नहीं आएगा यहाँ, राजा ही करेगा, वो करेगा, वो देखते रहता है कि हम क्या क्या करते हैं, मेरा एक्टिविटी देखते रहता है। अच्छा। इससे तो हमको ही फायदा होता है, कम से कम कोई भी कारण हमको देख रहा है अधिकतर 24 घंटे। अच्छा, नजर। राजा हीरो यादव कहीं ना कहीं एक तरह से अपना पैर पे कहीं ना कहीं एक पहचान बना चुका है। अच्छा, क्या लगता है आगे में नेतागिरी सब करना है? नेतागिरी अब क्या करेंगे भाई, हम तो बस भाईचारा पर विश्वास रखते हैं, भाई के लिए चुनाव उनाव लड़ने का होगा तो लड़ेंगे आप? वो देखा जाएगा, समय के अनुसार ना सब कुछ होता है, समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी मतलब सोच नहीं है? नहीं सोचे हैं, जब भाई सब इतना प्यार दे रहे हैं, भाई ये सब के कारण नहीं सब कुछ कर रहे हैं, लड़ाई भी जो मेरा अपना नहीं था, ऊपर कस्बा का कारण था, तो उसी के कारण इतना बड़ा लड़ाई हुआ। अच्छा, बस। अच्छा, इतना दर्शक जो है कहीं ना कहीं आपको प्यार देते हैं, इतना पहचान मिला, उनको आप क्या कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से? उस सब भाई को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कभी भी कोई भाई को कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, या कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो एक बार हमको ही बताए, कोई अनुचित कदम नहीं उठा ले, कट्टा वट्टा लेके नहीं जाके गोली तोली मार दे, हमको बताए, हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। कहे कि अब वो हमसे जुड़े हुए हैं तो सब मेरा भाई हुआ। बिल्कुल, किसी भी तरह से जो नहीं जुड़े हैं वो भाई नहीं है? नहीं, वो भी भाई ही है, तो उसके लिए भी है, सबके लिए है। आप जो ज़्यादा हमको प्यार कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ करेंगे ना भाई, आप ही बताइए। अब छोटा छोटा बच्चा हम लोग का गांव का मोबाइल नहीं रखता है तो क्या वो सब नहीं जुड़ा है? सब तो जुड़ले हैं ना, सब तो जुड़ले हैं। हाँ। अच्छा, बाइक पे 220 बाइक पे कहीं ना कहीं आप एकदम यूं 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 करके एकदम बाइक चलाते हैं, डर नहीं लगता है कि ट्रक के आगे चल जाएंगे, कहीं और चल जाएंगे, ऐसा डर उठ लगता है? डर तो नहीं लगता है, ट्रक के आगे से जाने के निकलते हैं, बस जान के ही निकालते हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है अपने देसी अंदाज में जो है कहीं ना कहीं हीरो राजा यादव कहीं ना कहीं सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक एक अलग पहचान बना चुके हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं हीरो राजा यादव के बारे में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, और यहाँ पे देख सकते हैं हीरो राजा यादव के सपोर्ट में जो है यहाँ पे कितने भाई बंधु आए हुए हैं। चलिए उनसे भी हम एक दो लाइन बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। इधर आइए, आप तो बहुत पुराने हैं ना। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार यादव। अच्छा, हीरो राजा यादव को आप कब से जान रहे हैं? बचपन से ही, मेरा छोटा भाई है। आपका छोटा भाई? हाँ। अच्छा, तो शुरू से ही हीरो राजा यादव मतलब कि ये खजरपनी करता था या नहीं, अब नहीं, करने लगा है? नहीं, लॉकडाउन से थोड़ा इसको
आ गया था ना, इसलिए दोस्ती में ही कोई गद्दारी कर लिया, इसी कारण हो गया। नहीं तो आज जो है अगर नहीं करता तो आज हीरो राजा यादव एक मतलब पहचान का जो एक मोहताज है, मतलब पहचान पहले भी था इसको, लेकिन थोड़ा दूसरे तरह से पहचान था, अभी दूसरे तरह से हो गया। पहचान तो पहले भी था, इतना सब दिन से इसको प्यार करता है, सब प्यार करता है, सब दिन से करता है इसको। ये देख सकते हैं कहीं कहीं, एक दो और आ जाइए ना। आपका क्या नाम है? बाबुल कुमार। अच्छा, हीरो राजा यादव को कब से जानते हैं आप? बचपन से जानते हैं। कैसा लड़का है? पहले अच्छा था, पहले दोस्ते सब के मैटर में इतना अपराधी बना है। पहले अच्छा था, अब अच्छे नहीं है? नहीं, अब तो उसके अति से चलना पड़ेगा ना, जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत करना पड़ेगा। जो मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरा भाई का सपोर्ट कर रहा है, तो उसका सपोर्ट फुल है। राजा यादव सबका सपोर्ट कर रहा है, सब भाई के लिए जान देता है, ये सब सब कुछ है। अच्छा, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना पहचान है, क्या कहना चाहेंगे श्रोतागण को? सभी प्यारे भाई को यही कहना चाहते हैं कि इतना प्यार दुलार जितना भी हमको कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा करें, ठीक ना। हम कभी गलत के साथ ही सिर्फ गलत किए हैं, कभी अच्छा के साथ गलत ना हो, इसलिए ये कदम उठाए हैं। और हम ये भी नहीं चाहते हैं अपने कोई भी युवा भाई को कोई मेरे रास्ते पर चल गुजरे, काहे कि सबका पापा मम्मी बहुत परेशान हो जाता है यार, काहे कि मेरा भी हो रहा है तो हमको वो फील बुझा रहा है। यही बस इतना ही कहना चाहेंगे। आपका प्यारा भाई राजा हीरो, धन्यवाद।